वेलकम फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में। 1950 से 2021 यानी इसी साल तक देश को 14 राष्ट्रपति मिले। इन 14 राष्ट्रपति के बारे में हम जानेंगे कुछ मुख्य बातें, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति हुए। इन्होंने अपने 3 कार्यकाल पूरे करे। 26 जनवरी 1950 को जब देश गणतंत्र हुआ यानी कि रिपब्लिक हुआ, तब से इनका कार्यकाल शुरू हुआ और ये देश के पहले राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा, 12 साल 107 दिन। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में काफ़ी समय से जुड़े हुए थे और इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए भी लड़ाई लड़ी। देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे। इन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करा। ये किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ये आंध्रा यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के तौर पर रहे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनके छात्रों ने इच्छा व्यक्त करी कि वो इनका जन्मदिन मनाएं, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने से अच्छा है कि आप इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। और तब से लेके आज तक 5 सितंबर को हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। इन्हें 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया, तो आप देख सकते हैं 1954 में ही इन्हें भारत रत्न मिल चुका था, जबकि ये राष्ट्रपति बने 13 मई 1962 को। ये हमारे देश के बहुत ही महान राष्ट्रपति हुए। देश के तीसरे राष्ट्रपति हुए जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति के तौर पर इनका कार्यकाल काफ़ी कम रहा, 1 साल 355 दिन। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, उसके ये कोफाउंडर भी रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले ही 1963 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई और ये अपना राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। देश के चौथे राष्ट्रपति रहे बीवी गिरी, जिन्हें हम वराहगिरी वेंकटागिरी के नाम से जानते हैं। 5 साल का कार्यकाल इन्होंने अच्छे से पूरा करा। ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ये गवर्नर ऑफ मैसूर, केरला और यूपी, इन 3 राज्यों के गवर्नर भी रहे। ये भारत के तीसरे वाइस प्रेसिडेंट भी थे। जाकिर हुसैन के मृत्यु के पश्चात ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर भी इन्होंने देश सेवा करी। इन्हें भी भारत रत्न से नवाजा गया है। फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें और दूसरे मुस्लिम प्रेसिडेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए ये नेता लॉयर और पॉलिटिशियन के रूप में अपना करियर बनाते हुए देश के 5वें राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 2 साल 171 दिन का ही रहा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू की गई पहली इमरजेंसी इनके कार्यकाल में हुई। अपना 5 साल का कार्यकाल ये पूरा नहीं कर पाए। इनकी हार्ट अटैक आने के कारण मृत्यु हो गई, जिसका पूरे देश को बहुत ही दुख है। देश के 6वें राष्ट्रपति हुए नीलम संजीवा रेड्डी। ये जनता पार्टी के तरफ से चुने गए। इनका 5 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ और राष्ट्रपति बनने से पहले ये स्पीकर ऑफ लोकसभा थे। ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे 3 बार। ये आंध्र प्रदेश राज्य के पहले CM थे। इनके 5 साल के राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान देश को 3 प्रधानमंत्री मिले, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी। तो आप जान सकते हैं राष्ट्रपति के इस कार्यकाल के दौरान देश में राजनीतिक संतुलन कितना बिगड़ा हुआ था। ज्ञानी जेल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति। इनका 5 साल का कार्यकाल बहुत ही सफलतापूर्वक गुजरा। ये देश के होम मिनिस्टर और पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसमें भारत, युगोस्लाविया और इजिप्ट मेंबर थे, उसके जनरल सेक्रेटरी भी रहे। ऑपरेशन ब्लू स्टार और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई। 1994 में कार एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो जाने के कारण इनकी मृत्यु चंडीगढ़ के एक अस्पताल में हुई। देश के 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन। 25 जुलाई 1987 को इनका कार्यकाल शुरू हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े रहे। ये नेता फ्रीडम फाइटर भी रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले ये देश के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। एज ए डिफेंस मिनिस्टर
इन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम डेवलप करने के लिए असाइन करा। उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। देश के 9वें राष्ट्रपति रहे शंकर दयाल शर्मा, ये भारतीय कांग्रेस से जुड़े हुए रहे। इन्हें देश लॉयर और पॉलिटिशियन के रूप में जानता था। ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के गवर्नर भी रहे। इनके राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान देश को 4 प्रधानमंत्री मिले, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। उस समय देश में राजनीतिक संतुलन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसीलिए बार बार चुनाव होने के कारण देश में नए नए प्रधानमंत्री आते रहे। देश के 10वें राष्ट्रपति के तौर पर हम जानते हैं के आर नारायणन को। इनका 5 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और भारत के 9वें उपराष्ट्रपति भी रहे। ये देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। के आर नारायणन IFS ज्वाइन कर काफ़ी देशों में भारत की तरफ से राजदूत बनकर रहे, अमरीका, चाइना, थाईलैंड और टर्की। रिटायरमेंट के बाद ये दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, राष्ट्रपति बनने से पहले प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार थे। इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम इन्हीं की देखरेख में बना। 1997 यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले ही इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। ये पीपल प्रेसिडेंट के तौर पर जाने गए। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलद्दीन अब्दुल कलाम था। आप इनकी जीवनी के बारे में पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। देश के 12वें राष्ट्रपति के तौर पर हमें मिली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी और राष्ट्रपति बनने से पहले ये गवर्नर ऑफ राजस्थान रही और ये वहाँ की पहली महिला गवर्नर थी। इनका कार्यकाल एक पॉलिटिशियन तौर पर महाराष्ट्र से उभरा। 13वें राष्ट्रपति के तौर पर हम जानते हैं प्रणब कुमार मुखर्जी को। इनका कार्यकाल 5 साल का रहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक सीनियर लीडर के तौर पर इन्होंने 50 साल के अपने करियर में बहुत उतार चढ़ाव देखे। 2020 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। भारत की राजनीति में इन्हें कई सारे अहदे मिले। कैबिनेट मिनिस्ट्री में इन्हें हर वो बड़ा मुकाम हासिल करा और देश को अपनी सेवा प्रदान करी। 2020 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। प्रणब मुखर्जी को प्रणबदा और पोल्टुदा के नाम से जाना जाता है। देश के करंट प्रेसिडेंट और देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर हम रामनाथ कोविंद जी को जानते हैं। इनका 3 साल से अधिक का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पहले राष्ट्रपति थे। अपनी उम्र के शुरुआती दिनों से ही ये RSS से जुड़े रहे। लॉयर और पॉलिटिशियन तौर पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करी। वकालत पढ़ने से पहले इन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी करी और 3रे अटेम्प्ट में इन्होंने सिविल सर्विस क्लियर कर लिया, लेकिन IAS ना बन पाने के कारण इन्होंने उसे ज्वाइन नहीं किया और वकालत की पढ़ाई शुरू करी। हम उन राष्ट्रपतियों के बारे में जानते हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी, ये 6 राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। इनमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न मिला। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी, ये ज़रूर हमसे शेयर करिए। और आपके लिए एक सवाल, भारत के ऐसे कितने राष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति बने, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में शेयर करी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी तरह और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहे हमारे साथ। गुड बाय।